बता दूंगी कि मैं कौन सी पीड़ा में हूँ और कौन सी बात अपने दिल में लिए बैठी हूँ। अच्छा। आज मैं तेरे सामने सारी बातें खोल के रख दूंगी बेटा गोपीचंद, तो सुनिए हमारी बात।
मालूम होगी कि आप किस बात से पीड़ा में हैं। आप बेखटके से कह सकती हैं, हम आपके पुत्र हैं, आदेश करिए, हंसते हंसते अपनी गर्दन तुम्हारे चरणों में अर्पण कर देंगे। बताइए बेटा गोपी चंद, तेरी गर्दन की जरूरत नहीं है मुझे, तुझसे सिर्फ एक बात ही कहना चाहती हूँ। कौन सी? लेकिन जो वो मेरी बात है वो बहुत ही कठिन बात है, अगर तू सुनेगा तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ऐसा ना हो कि तू मेरी बात सुनते ही मुझसे मना कर दे। आपने हमें जन्म दिया है, आप हमारी जन्मदाता हैं, और आपका अधिकार सबसे ऊपर है। आप आदेश करिए, हंसते हंसते आपका हर हुक्म माना जाएगा। अच्छा, सुनिए हमारी बात गौर से। अपनी बात बेखटके से कह तेरी माता, तेरा हुक्म बजाना चाहूं सुन। तू आफत में पड़ जागा तने खोल बताना चाहूं सुन। अरे दे आदेश तेरे चरणों में। साथियों, जिस बात के लिए मैंने मंत्री बहुत दिन से परेशान थी, उस बात को सरिता जी अपनी लाइन में कहेंगी, और लाइन में कहने के बाद ये बात सच्ची और अच्छी लगे तो सुन के ताली जरूर बजा देना। सुनिए साथियों कैसे बताता है गोपी जी, क्या जरूर सुनिए। अरे दे आदेश तेरे चरणों में शीश चढ़ाना चाहूं सो। गोपी चंद बेटा मैं तन्ने अमर कराना चाहूं सो। गोपी चंद बेटा मैं तन्ने अमर कराना चाहूं सो। ये बेटा तेरी माता आवे आखिर एक दिन आवे आदरणीय हमारे बाबा खेताराम सरपंच साहब थनवास से 600 रुपए पहले 100 रुपए का पुरस्कार इस रागी पर दिया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय पतराम पंच साहब गूंता शाहपुर से उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। और परम आदरणीय श्री रामकरण जी बबेड़ी से उनकी तरफ से भी इस रागनी पर 100 रुपए का आशीर्वाद आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए तो आप हमें अमर कराना चाहते हैं हमारे शरीर को। हाँ। हमें साधु बनाना चाहती हैं। हाँ। योगी बनाना चाहती है। हाँ। लेकिन हम कहते हैं इंसान एक गृहस्थ जीवन में होता है, वो भी एक बहुत बड़ा तप होता है। गृहस्थ जीवन को जो अच्छे ढंग से चलाता है उसकी वही तपस्या होती है, लेकिन कर्म तो इंसान कहीं भी रह के कर सकता है। ये कर्म अपने घर में हम गुरु का उस भगवान का भजन कर सकते हैं। अच्छे कर्मों से ही इंसान की पहचान होती है, और चाहे हम साधु बन जाए, कर्म हमारे गलत हो तो हमें कोई तपस्वी नहीं कहेगा माँ। लेकिन बेटा गोपीचंद, इसमें तेरी गलती नहीं है। राम निवास सरपंच साहब अबेड़ी से सुबेदार साहब 100 रुपए सम्मान करते धन करते हैं। इसमें तेरी गलती नहीं है, इसमें तो मेरी गलती है कि मैंने तुझे अपने दिल की बात बता दी। जिस बात का मुझे डर था वही बात मेरी आंखों के सामने है। तू तरह तरह की बातें मेरे सामने रख रहा है कि उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, लेकिन मैंने तो तुझे पहले ही बताया था कि जो मेरी बात है वो बहुत कठिन बात है। माँ, मैं तेरा इकलौता पुत्र हूँ, मेरी 16 रानी है, 12 कन्या, इतनी बड़ी मेरी गृहस्थ है, उसको त्याग करके और मुझे त्याग करके जब मैं इस महलों से चला जाऊंगा तो वही कहानी बन जाएगी, कुत्ता मार बंजारा रोया। ये सोच लेना कि तेरी ममता के प्रकाश से तेरे दिल में थमेगी, इन महलों में कोई तुम्हें माता कहने वाला नजर नहीं आएगा। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ नहीं मुझे पता। तुझे अमर कराना है। सरदारों कहते हैं
कि बाल हट, घोड़ा हट और त्रिया हट, जब उन्हें हट पर आ जाते तो कुछ ही नहीं मानते हैं। सुनिए मेरी बात गौर से। मतना मन भटकाइए तू, योग साधना करके बेटा अमर शरीर बनाइए तू। तेरी बात संभव सी लागे माँ, नहीं बात संभव सी लागे मन, भेद खोल समझिए तू। मिल जागा हरे राम बैसला कुसक बडोली जाइए तू। ओ मिल जागा हरे राम जिस बात के लिए आप मुझे बार बार परेशानी कर रही हैं, क्योंकि कहते हैं इंसान केवल कर्मों से ही अमर होता है और जिससे कर्म गलत होते हैं वो इंसान कभी अमर नहीं हो सकता। सुनिए मेरी बात गौर से। मिल जाता हरे नाम बैसला खुश बड़ो लीजिए तू। खुल जागी तकदीर तेरी, खुल जागी तकदीर कवि ये निराला बैसला। हाँ,